वालेकुम बच्चों आज आप ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसके लिए हमें कौन कौन सी बातों को जहन में रखना पड़ेगा तो एंट्री में आपको ऑक्सीडेशन नंबर से बहुत बड़ा काम पड़ेगा मतलब आपने जब कोई इक्वेशन आयोनिक इक्वेशन बैलेंस करनी है तो वहाँ आप ऑक्सीडेशन नंबर के ज़रिए बैलेंस कर सकते हो दूसरा आपको आयन इलेक्ट्रॉन फिलिंग मेथड मिलता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी आप इक्वेशन बैलेंस करते हो तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर की ज़रूरत पड़ती है दूसरा रिडॉक्स रिएक्शंस हैं आप तब तक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक आपको ये ना पता चले कि भाई इसमें कौन से हाफ रिएक्शन में रिडक्शन हुई है और कौन से हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुई तो मतलब ये है कि हम हर दफ़े केमिस्ट्री में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में हमें ऑक्सीडेशन नंबर का लास्टमन हमें ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए इवन आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जब आप उनका नॉमन क्लेचर करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर की ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या ऑक्सीडेशन नंबर आप मालूम कैसे करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के सिंपल मेथड्स कौन से हैं? और रूल्स कौन से होंगे तो हम इनको पहले अगर हमें रूल्स समझ में आ गए तो हमें मेथड भी समझ में आ जाएगा और फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट भी कर सकते हैं तो हम इसी से ऑक्सीडेशन नंबर से शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये आम तौर पर एक ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप इसको कह सकते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये दोनों का मतलब सेम होता है यानी सिंपल वर्ड्स में फॉर्मल चार्ज फॉर्मल का यहाँ मतलब होगा जिसको सिर्फ आप सपोज तो कर सकते हैं लेकिन हकीकत में उसका वजूद नहीं हम अपने समझने के लिए किसी चीज़ को एक्स वाई ले लेते हैं तो ये फॉर्मल मतलब हमने वैल्यू ले ली है तो इस तरीके से फॉर्मल चार्ज होती है ये समझें कि ये हकीकत में नहीं होती है ये हम अपने सपोज करते हैं नॉट रियल ठीक है क्या करेंगे यानी ऑन एन एटम किसी भी एटम पर दी जाए और ग्रुप या फिर ग्रुप पर दी जाए अंडर कंसिडरेशन सिर्फ अपने समझने के लिए कि हम उसने क्या किया है इलेक्ट्रॉन लूज किया है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन किया या फिर इसको आप यूं भी लिख सकते हैं यानी ए फॉर्मल चार्ज यानी आपने क्या किया कोई एक फॉर्मल चार्ज सपोज आप पे कोई सिंबल दे दिया फॉर्मल चार्ज प्लेस्ड आपने दिया ऑन एन एटम आपने वो चार्ज एटम पे दी या फिर आपने किस पर दे दी ग्रुप पर दे दी किसके लिए टू शो ताकि उससे ये आप रिप्रेजेंट कर सकें लॉस और या फिर क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उससे ये पता चल सके कि उस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं या फिर उस एटम ने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं गेन किए हैं तो ये जो चार्ज आप देंगे इसको आप क्या कहेंगे इसको आप कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन नंबर एक फॉर्मल चार्ज होगी सपोज मैं चाहता हूँ ये शो करने के लिए कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो मैं प्लस वन दे देता हूँ कैल्शियम ने दो लूज़ किए मैंने प्लस वन से इसको ज़ाहिर किया क्लोरीन ने एक गेन किया मैंने माइनस वन से इसको जाहिर किया नाइट्रेट ने एक गेन किया मैंने माइनस वन से ऑक्सीजन ने दो गेन किए मैंने माइनस टू दे दिया मतलब ये हुआ कि आपने लॉस या गेन इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर किया तो आपने लॉसमंद कोई ना कोई चार्ज रिप्लेस की या आपने दे दी तो ये जो आप चार्ज दे रहे एक्चुअली ये शो कर रही है किसको टू शो द लॉस और द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी ये इलेक्ट्रॉनों के लॉस को या फिर इलेक्ट्रॉनों के गेन को क्या कर रही हैं जाहिर कर रही हैं तो यहाँ इनमें आम तौर पर याद रखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये हमेशा चंद प्रॉपर्टीज़ को भी ज़ाहिर करता है इनमें आपसे अगर पूछा जाए के सोडियम फिर कैल्शियम फिर एलोमिनियम और फिर कार्बन इनमें से कौन से एटम ने ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किए तो यहाँ कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है कौन लूज कर चुका है कार्बन तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे इन सारों में से हाईएस्ट होगा आप कह सकते हैं कि इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर और इसी तरीके से हमने लिखा फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए और नाइट्रोजन ने तीन इलेक्ट्रॉन गेन किए अब हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे इन तीनों में से लोएस्ट होगा यानी ये गेन कर चुका है तो ऑक्सीडेशन नंबर लो हो गया तो आप इन दो एग्ज़ाम्पल से ये समझ सकते हैं कि एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर लो हो जाता है मतलब उनमें रिडक्शन होती है क्योंकि ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है रिडक्शन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया लोएस्ट हो गया इन सब में ज़्यादा रिडक्शन है लोएस्ट ऑक्सीडेशन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ये एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो जितना इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा उतना आप समझ लें जाहिर ऑक्सीडेशन ही होगी और ऑक्सीडेशन में लॉस होता है तो जितना आपने ऑक्सीडेशन नंबर देखा इसको बढ़ाना है तो आप किसको नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस यानी जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये सीधा ताल्लुक़ रखती हैं किसके साथ लॉस ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के साथ यानी जितना कोई एटम इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लूज़ करेगा उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता जाएगा यह बढ़ता जाएगा जितना वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आप ऑक्सीडेशन नंबर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे किसके साथ नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस से यानी आपने देखा कि जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लॉस हुए उतना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता क्या और जितना इलेक्ट्रॉनों का गेन हुआ उतना ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया कम हो गया तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या कर सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के साथ इसका रिलेशन बना सकते हैं अब हम आते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हम मालूम कैसे करें क्या डायरेक्ट कोई मेथड है इसमें आपको चंद रूल्स पढ़ने पड़ेंगे चंद रूल्स आप याद कर लें तो उसके बाद आपको मुश्किल नहीं होगी आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल से सिंपल कंपाउंड हो या सबसे बड़ा कंपाउंड हो तो उसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कर सकते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली चंद आपको रूल्स जो हैं ये याद करने पड़ेंगे जिनको आप कहते हैं रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने के रूल्स कौन कौन से इनमें फर्स्ट रूल जो है आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर चंद ग्रुप्स के बिल्कुल फिक्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ फर्स्ट ए इसका फिक्स है दूसरा सेकंड ए इनके मेंबर्स का फिक्स है और उसके बाद कौन सा है थर्ड ए इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फिक्स है और वो कितना है आर प्लस वन फिर प्लस टू एंड प्लस थ्री रेस्पेक्टिवली याद रखिएगा तरतीब के साथ फर्स्ट ए के मेंबर हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा प्लस वन होगा अगर सेकंड ए के मेंबर हैं तो प्लस टू होगा थर्ड ए के मेंबर हैं तो प्लस थ्री होगा उसका कोई भी मेंबर है तो ये प्लस थ्री में होगा सपोज आपको कहा गया कि भाई लिथियम जो है ये किसका मेंबर है ये फर्स्ट ए का है तो प्लस वन होगा भाई मैग्नीशियम सेकंड ए का है तो प्लस टू होगा एलुमिनियम थ्री का है तो थ्री प्लस होगा या प्लस थ्री या थ्री प्लस आप लिख सकते हैं तो इस तरह ये रूल आपको याद कराता है कि फर्स्ट डे और सेकंड ए और थर्ड ए इनका कोई भी मेंबर उठा लो बस इनका फर्स्ट डे का प्लस वन इसका प्लस टू और उसके मेंबर का प्लस थ्री करेंगे यह या आपको याद करना पड़ेगा नंबर टू आपको पता है काफ़ी सारे कंपाउंड्स में ऑक्सीजन अक्सर ज़्यादा यूज़ होता है तो हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है इज़ आल फेज ये हमेशा क्या होगा ये माइनस टू होता है इन इट्स कंपाउंड्स ठीक है इसके बहुत सारे कंपाउंड्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ये माइनस टू होगा ठीक एक्सेप्शन आर फ्यू पर कुछ में ये इस तरह माइनस टू नहीं होगा अब माइनस टू कहाँ नहीं होगा एक तो ऑक्सी फ्लोराइड या इसको आप डाईफ्लोरो कह सकते हैं ऑक्जी में ऑक्सीजन पर चार्ज प्लस टू होती है वजह क्या है फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है दो इलेक्ट्रॉन ये सबसे ताकत सबसे ले लेता है तो इस वजह से ऑक्सीजन यहाँ लूज कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन दो फ्लोरीन के एटम इनको गेन कर रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट जो है बाकी सारे कंपाउंड्स में याद रखिएगा इनमें आम तौर पर अगर आप इसके ऑक्सीजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं जिनमें आप परऑक्साइड्स जैसे आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड्स पढ़ा सोडियम पर आपने पढ़ा पोटेशियम पर आपने पढ़ा तो इनमें ये क्या होगा कि ये आम तौर पर यहाँ माइनस वन शो करेगा एक ऑक्सीजन माइनस वन शो करेगा क्योंकि यहाँ हर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। उसके बाद नंबर टू जो हैं ये हैं सुपर ऑक्साइड्स सुपर ऑक्साइड्स जो हैं ये आम तौर पर इनमें ऑक्सीजन का जैसे पोटेशियम ऑक्साइड है इसमें आप देख सकते हैं कि इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हाफ नेगेटिव होता है तो हमेशा परऑक्साइड्स में ये वन माइनस या माइनस वन होता है और सुपर ऑक्साइड्स में ये हाफ़ माइनस होता है तो इनके अलावा बाकी और ऑक्सीफ्लोराइड के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें इसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है ये माइनस टू ही होगा तो ये जिन जहाँ भी आयोनिक हों या कोविल कंपाउंड्स हों तो आप वहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये ले सकते हैं अब आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा मतलब इसी में रूल या प्रिंसिपल आप कह लें वो कौन सा होगा वो रूल या प्रिंसिपल जो है वो हम थर्ड रूल या थर्ड प्रिंसिपल करके लेते हैं और वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है इज़ ये अक्सर होता है वन प्लस या प्लस वन व्हेन जब ये क्या होता है व्हेन इट इज़ अटैच ये अटैच होता है ठीक है इट इज़ अटैच्ड विद किसके साथ अटैच होगा विद नॉन मेटालिक एटम्स जब ये नॉन मेटालिक एटम्स के साथ अटैच होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा प्लस वन होगा जैसे आप देखें वाटर है H2O यहाँ पर वन प्लस आप लिख सकते हैं या प्लस वन ऑक्सी इसका हाइड्रोजन का इसी तरीके से मीथेन है यहाँ पर प्लस वन या वन प्लस आप लिख सकते हैं इसी तरीके से एच सी एल है यहाँ पर आप इसको वन प्लस या प्लस वन लिख सकते हैं तो जब भी ये नॉन मेटल्स के साथ अटैच होगा तो बाकी नॉन मेटल्स इससे ज़्यादा ताकतवर हैं लेकिन ये ख़ुद उनसे क्या है वीक है तो इसलिए ये ज़्यादा ताकतवर होगा अब आते हैं कि इन केस जब ये इनके साथ अटैच होता है जब ये अटैच होगा मेटल्स के साथ तब यानी इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज़ माइनस वन ये माइनस वन होता है व्हेन इट इज़ अटैच्ड, जब ये अटैच होता है किसके साथ लाइट मेटल्स लाइट एंड सम हैवी मेटल्स और कुछ हैवी मेटल्स के साथ भी लेकिन सबके साथ भी इसका माइनस वन नहीं होता यहाँ पर सॉरी जब ये माइनस वन हर जगह नहीं होगा एक तो याद रखिएगा फर्स्ट डे और सेकंड डे वालों के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है तो ये माइनस वन ही होगा सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रांशियम यहाँ पर तो ये माइनस वन ही होगा लेकिन उसके बाद ट्रांजिशन मेटल्स हैं जैसा कि जिंक है इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा तो यहाँ पर भी ये माइनस वन ही होगा लेकिन इन सम केसेस कहीं एक्सेप्शंस आ सकती हैं एक्सेप्ट किसके जो जैसा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉपर की ज़्यादा है तो कॉपर के साथ होता है हाइड्रोजन तो यहाँ ये प्लस वन में होता है उसके बाद सिल्वर के साथ जब ये अटैच होता है तो ये यहाँ पर भी प्लस वन में होता है जब ये गोल्ड के साथ अटैच होता है तो यहाँ पर भी ये प्लस वन में होता है तो चंद हैवी मेटल्स हैं प्लाटीनियम है सिल्वर है कॉपर है इनके साथ हाइड्रोजन प्लस वन में होगा बाकी हैवी मेटल्स के साथ भी अक्सर ये कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा माइनस वन वाला ही शो करेगा बाकी नॉन मेटल्स के साथ जब भी अटैच होगा तो ये प्लस वन में और लाइट मेटल्स हैं तो उनके साथ ये माइनस वन में होगा और उसके बाद हेवी मेटल्स में चंद एक्सेप्शन हैं कॉपर सिल्वर या फिर गोल्ड तो इनके साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा चेंज होगा अब आते हैं याद रखिएगा रोल नंबर थ्री हम लेते हैं बल्कि और अगर आप कर लें तो इसमें यह कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन एलिमेंटल फॉर्म यानी ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम का निकालना है पर वो किस में है वो एलिमेंटल फॉर्म में है इसमें है एलिमेंटल फॉर्म में चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे वो मॉलिक्यूल ना हो एलिमेंटल फॉर्म में है तो ये हमेशा इज जीरो या इक्वल टू जीरो अब देखो जैसे सोडियम अपने सोडियम मेटल के साथ अटैच होगा एटमो के साथ तो ये जीरो होगा कॉपर अपने कॉपर के एटमों के साथ क्रिस्टल बनाता है लैटिस बनाता लैटिस ले, में ये सारे एटम एक ही जैसे होंगे लॉस अगेन नहीं है जहां लॉस या अगेन नहीं है वहां पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जीरो होगा कार्बन ग्रेफाइट के अंदर है ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है जिंक अपने मेटालिक क्रिस्टल्स में ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है कॉपर अपने मेटालिक क्रिस्टल में एलिमेंटल फॉर्म में जीरो है सल्फर अपने क्रिस्टल्स के अंदर है जीरो है तो एलिमेंटल फॉर्म में एटम होंगे मतलब वो इंडिपेंडेंट है आइसोलेटेड है अकेला एटम है या अपने एटमो से अटैच है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो फिर जब ये मालिकुलर फॉर्म एलिमेंट बनाते हैं जैसे क्लोरीन, जैसा कि फ्लोरीन, जैसा कि हाइड्रोजन जैसा कि ऑक्सीजन जैसा कि ओजोन तो यहाँ पर भी इनका ऑक्सीडेशन नंबर याद रखिएगा ये कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर ये क्रॉस नहीं करेगा ये हमेशा ज़ीरो होगा तो इस तरह आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंटल फॉर्म में हमेशा एटमों का क्या होता है ये जीरो होता है ठीक है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो चाहे सिमिलर एटमों का मॉलिक्यूल हो चाहे उनका क्रिस्टल लैटिस हो चाहे वो एटम अकेला सिंगल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है मौजूद है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जीरो है उसके बाद रूल नंबर फोर की तरफ हम आते हैं वो ये है कि ऑल मतलब आयोनिक कंपाउंड्स यानी हम अगर बात करें सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं और या फिर वो क्या हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं आयोनिक कंपाउंड्स हैं या फिर क्या हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं आर कंसीडर ये जब भी इनका आप क्या करना चाहते हो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हो तो याद रखना आर कंसिडर्ड एज हंड्रेड परसेंट ऑयनिक इनको हंड्रेड परसेंट आयोनिक कम्पाउंड्स तस्वुर किया जाता है याद रखिएगा यानी आपने जब भी ऑक्सीडेशन नंबर की बात की तो फिर याद रखिएगा यहाँ आपने कोवेलन कंपाउंड हो चाहे वो यानी कि आयोनिक कंपाउंड हो इसको आपने हंड्रेड परसेंट आयोनिक तस्वुर करना है बाकी आपको पता है एज इट इज़ नॉट पॉसिबल ये बात पॉसिबल नहीं है दैट के ए कंपाउंड इज हंड्रेड परसेंट आयोनिक ये बात पॉसिबल नहीं है कि कोई भी कंपाउंड है और वो हंड्रेड परसेंट क्या हो वो आयोनिक हो चाहे आयोनिक कंपाउंड खुद हैं, इनका भी आयोनिक कैरेक्टर हंड्रेड से कम होता है 94, 98, 90. तो आपने कोई भी कंपाउंड लिया जैसे हमने मीथेन लिया तो अब यहाँ पर हमने प्लस वन देना है इस पर माइनस फोर देना है जैसे हमने एच टू ओ लिया हालांकि कोवेलेंट है लेकिन जब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करोगे तो ये आयोनिक होगा बाकी आयोनिक तो होते ही चार्जेस वाले ये तो आप समझ जाएंगे तो इसका मतलब आप समझ लें कि आपने हमेशा एक कंपाउंड को क्या तसवुर करना है 100% परसेंट आपने उसको आयोनिक तस्वर करना है भले वो आयोनिक नहीं है कोविलेंट भी हो तो ऑक्सीडेशन नंबर के टाइम हम उसको आयोनिक ही मानेंगे अब आते हैं रूल नंबर फाइव की तरफ रूल नंबर फाइव हमें बताता है कि इन ए न्यूट्रल कंपाउंड यानि आपने न्यूट्रल मालिक्यूल उठाया आपने न्यूट्रल कंपाउंड उठाया तो वहाँ पर क्या होगा द ऑक्सीडेशन नंबर यानि अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखना चाहते हैं ऑफ ऑल एटम्स और एलिमेंट्स एटम्स या फिर उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इज़ क्ल टू ज़ीरो याद रखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट एटमों का एक साथ अगर हम मिलाएंगे तो इनका सम जो हो होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर सबका ज़ीरो हो जाएगा ड्यू टू इक्वल चार्जेस क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी न्यूट्रल कंपाउंड की बात करते हैं तो वहाँ ऑपोजिट चार्जेस की तादाद इक्वल होती है जैसे सोडियम और क्लोराइड है यहाँ पर एन प्लस में सी माइनस में उसके बाद एच टू ओ आपने लिया माइनस टू है तो प्लस टू पॉजिटिव चार्जेस एंड सम ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस ये आप याद रखिएगा ये क्या होगा ये टोटल इसका ज़ीरो होगा जितनी प्लस उतनी माइनस जितनी प्लस उतनी माइनस तो कंपाउंड ओवरऑल क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा ये ज़ीरो हो जाएगा तो इस तरह नेट चार्जेस जो होती हैं कंपाउंड के अंदर कोई भी एक्सेस में नहीं होती ओवरऑल कंपाउंड हम कह सकते हैं कि क्या होगा ये न्यूट्रल होगा क्या होगा ये ये न्यूट्रल कंपाउंड काउंट होगा ठीक है उसके बाद इन यानी कि हम यहाँ पर रोल नंबर सिक्स की तरफ आते हैं यानी इन आयंस जब हम आयंस की बात करेंगे तब क्या होगा द ऑक्सीडेशन नंबर यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा ये याद रखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर जो है ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर और चार्जेस किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर या उस पर मौजूद चार्जेस आर Not equal to टू जीरो कभी भी ज़ीरो के इक्विवेलेंट नहीं होंगे आइन पर जैसे हमें कहा गया क्लोरीन का आयन है तो ये न्यूट्रल नहीं होगा ये माइनस वन ऑक्साइड है माइनस टू नाइट्राइड है माइनस थ्री उसके बाद कैल्शियम है प्लस टू एलोमीनियम है प्लस थ्री उसके बाद सोडियम है प्लस वन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी आइन है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जैसे अमोनियम है यहाँ नेट चार्जेस प्लस वन उसके बाद जैसे सल्फेट है माइनस टू है नाइट्रेट है माइनस वन है कार्बोनेट है माइनस टू है तो आप कह सकते हैं कि कभी भी आइन्स में ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा ये या तो माइनस में होगा या फिर प्लस में क्योंकि आइन ही असल में इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करते हैं तो इस तरह हम ये कह सकते हैं अब आते हैं उसके बाद नेक्स्ट में जो है हमने जहाँ तक ये अगर रूल्स कर लिए तो अब हमें कोई मुश्किल नहीं होगी अब हम ये कर सकते हैं अब हम कह सकते हैं हाउ टू फाइंड एन ऑक्सीडेशन नंबर अब हम ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कर सकते हैं कैसे मालूम करना है इसका बहुत आसान सा मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे और आपको मालूम कैसे करना है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे करोगे तो इसमें आपको किसी एक एटम का पूछा जाएगा कंपाउंड में से या फिर आइन में से तो आपने उसका एक वक्त में आप एक आइन का निकाल कंपाउंड में से किसी एक एटम का फिर आप चाहें तो सबका निकाल सकते हैं अलग अलग करके लेकिन एक वक्त में आप किसका कर सकते हैं एक आइन का कर सकते हैं जैसा कि आपको कहा गया फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम क्रोमियम का आप निकालें इन के टू सी आर टू ओ सेवन पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का कितना होगा तो आप यहां लिखोगे के टू सी आर टू ओ इक्वल टू जीरो पे जीरो कर दो ये हो जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाएगी राइट हैंड साइड आप लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला रखो राइट हैंड साइड को जीरो कर दो अब आपने यहां पर देखना है के कुछ एलिमेंट हैं जिनके रूल्स में हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़े थे वो हमें याद करने जैसे ऑक्सीजन है फर्स्ट ए के हैं सेकेंड एक है थर्ड ए के हाइड्रोजन है तो ये हमने याद रखने तो बाकी हम निकाल सकते हैं हमें पता है कि पोटेशियम जो ये फर्स्ट ए का मेंबर है तो इसमें एक फर्स्ट ए वालों की हमेशा प्लस टू या प्लस सॉरी प्लस वन या फिर वन प्लस होती है तो ये दो एटम है तो दो हो जाएगी प्लस में ऑक्सीजन हमेशा माइनस टू होता है नॉर्मल ऑक्साइड्स में सवाईपर ऑक्साइड और सुपर के तो अब आप देखो आपने सिंप्लीफाई किया टू इंटू आपने वन किया तो दो एटमो के प्लस टू एक पर माइनस टू है तो सेवन पर आपको पता है कितने हो जाएंगे माइनस फोर्टीन अब क्रोमियम के एटमो का आपको मालूम करना है जीरो कर दो प्लस की दो माइनस की आपने कैंसिल कर दी बाकी बचे ट्वेल्व यहाँ आपने लिखा सी आर टू इज इक्वल टू जीरो अब आपको क्या करना है आपने प्लस टू तक कर दिया अब आप ये वैल्यू उस तरफ ले जाओ तो सी आर टू इज इक्वल टू प्लस ट्वेल्व क्योंकि यहाँ माइनस में था उस तरफ प्लस में ये दो एटमों का है हमें किसका चाहिए हमें एक एटम का तो टू यहाँ इन टू में है आप इस तरफ ले जाओ और इसे डिवाइड कर दो तो आंसर आपको क्या मिला प्लस सिक्स मिला या सिक्स प्लस मिला इसका मतलब है क्रोमियम जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होगा प्लस सिक्स होगा क्या होगा सिक्स प्लस या प्लस सिक्स होगा तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कर सकते हैं किसी भी मतलब जो है आइन का इसमें किसी एटम का उसमें कंपाउंड कभी कभी आपको यही ट्रिक आपको पी में ऑक्सीडेशन नंबर्स मिले तो आप इस तरह सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो चंद का आपको याद करना पड़ेगा अब आते हैं अगर हमें किसी आइन में से यानी हमें कहा गया कि फाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका का एम एन आपने एम का निकालना है किस में इन एम एन ये है आपको नेगेटिव आइन मिला है मैग्नीज़ का मैग्नीज़ ऑक्साइड का तो आप बताओ इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा तो आपने यहां पे सबसे पहले यहां बस थोड़ी ट्रिक मैथ के रूल के अगेंस्ट होगी लेकिन आपके लिए आसान आप इस पे जो चार्ज देखें दी हुई है वो वैसे कि वैसे उसका आप सिंबल चेंज ना करो माइनस में तो माइनस में ही रख दो अगर प्लस में है तो प्लस में ही रख दो तो उस तरफ आप ले जाओ उसके बाद आप क्या करो बाकियों के ऑक्सीडेशन नंबर वैसे ही करो जैसे आप कर रहे हो तो आपको पता है कि इस पर माइनस वन चार्ज थी हमने वैसे रख दी अब हम बाकियों में एम की तो हमने मालूम करनी है ऑक्सीजन एक पर चार्ज होती है माइनस टू तो फिर फोर की हमने रखनी है तो यहां पर एम एन माइनस टू इंटू फोर करोगे माइनस एट हो जाएगा ये माइनस वन हो गया अब इसको उस तरफ आप ले जाओ एम एन जो है ये हो जाएगा प्लस एट और ये है माइनस वन अब आपने इसमें से ये प्लस एट में से एक माइनस आपने निकाल लिया तो बाक़ी आपको आंसर क्या मिला प्लस सेवन तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर मैगनीस का आपने निकाल लिया तो बस यहाँ से फाइन में थोड़ा सा रूल आपने अपना चेंज करना है पैटर्न कि जो चार्ज है वो राइट हैंड साइड पे चली जाएगी वैसे चार्जेस जाएंगी तो सिंबल चेंज होगा लेकिन ऑलरेडी जो आइन पर चार्ज है उसको वैसे का वैसा उस तरफ रखना है उसको आपने चेंज नहीं करना ये याद रहे मैथ के रूल्स तो के तो खिलाफ़ हो जाएगा लेकिन ये कि हमारे पास ये मैथड जो है एक हंड्रेड परफेक्ट होगा और हम यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं कभी कभी आपको ये तो था जब आपको आइन मिले कंपाउंड मिले उसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हो तो आप ये निकाल सकते हो बाकी अगर दूसरी सूरत में इन केस आपको कंपाउंड मिलता है किसका आपको मिलता है ट्रांजिशन कंपाउंड ट्रांजिशन कंपाउंड्स में हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो वो हम कैसे निकालें जैसे एफ ई सी एन Six. ये ट्रांजिशन आइन भी हो सकता है और मेटल कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है जैसे आपको इसमें अगर आप देखेंगे तो हेवी मेटल भी होगा नेगेटिव लिगेंड भी होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं उस पर भी हम आएंगे और पॉजिटिव आइन भी होता है इस तरफ हमेशा मोनो मतलब चार्ज होता है कोई भी कैट नेगेटिव लिजेंड होंगे या फिर एंड में नेगेटिव आइन अब हमने यहाँ पर सारी चार्जेस पहले देखनी है कि कितनी है फिर इसका डिसाइड होगा कि इस मेटल पर कितनी चार्ज आएगी या आइन पर ओवरऑल कितनी आएगी तो आप देखो यहाँ पर इसका पोटेशियम के एक एटम की चार्ज है प्लस वन तो आपने प्लस वन को किया फोर से मल्टीप्लाई क्योंकि आप फोर उठा रहे हो फिर एक साइनाइड जो है इस पर चार्ज होती है ये जो है ये तो पोटेशियम की थी साइनाइड पर एक पर है माइनस वन तो आपने सिक्स पर करनी है तो अब आपने ये किया कि ये हो गया प्लस फोर ये हो गया माइनस सिक्स तो आपने दो फोर प्लस की और फोर माइनस की कैंसिल कर दी आपको बाकी आंसर यहाँ पर जो मिल रहा है दैट इज इक्वल टू तो माइनस टू अब इसी को माइनस टू को हम यहाँ पर यूं भी लिख सकते हैं यहाँ कर दो इज इक्वल टू तो ज़ीरो इज इक्वल टू तो ज़ीरो अब देखो प्लस फोर माइनस फोर चला गया माइनस टू इज टू तो ज़ीरो अब इसको उस तरफ आप लेकर जाओ तो आपकी वैल्यू हो जाती है प्लस टू में तो ये फिर समझ लो आयरन का सेंट्रल मेटल का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो यहां आयरन पर चार्ज कितनी है दैट इज इक्वल टू प्लस टू हो गई तो इस तरीके से आप ये प्लस टू काउंट कर सकते हैं बाकी आइन पर अगर इस पर आपने काउंट करना है तो इस पर प्लस टू है आइन पर आपने देखा अब हमें आयरन की चार्ज मिल गई आयरन की कितनी मिली प्लस टू मिली और साइनाइड पर चार्जेस कितनी थी माइनस सिक्स थी तो आपने क्या किया इनकी चार्जेस जो थी ये था आयरन की और साइनाइड की चार्ज जो थी एक पर थी माइनस वन तो हमने कितनों की सिक्स की की तो प्लस टू और माइनस सिक्स आप देखो इसमें से दो प्लस दो माइनस निकाल दो तो यहां पर आपको पूरे आइन पर जो चार्ज रखनी है वो कितनी आप रखोगे माइनस फोर रखोगे क्या रखोगे माइनस फोर रखोगे तो इस तरीके से आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं अब हम एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें हमें कंपाउंड मिला जैसे हमें कहा गया रिएजेंट इसमें है डायमाइन इस सिल्वर वन हाइड्रो ऑक्साइड तो आपको पता है ये न्यूट्रल लिगेंड है इस पर तो कोई चार्ज नहीं है सिर्फ चार्ज है इस पर ये भी हमने काउंट करनी है स्पेयर है या आइन है ये आयोनिक बॉन्ड है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो आपने देखा अमोनिया पर तो यहां कोई चार्ज नहीं है तो ये तो ज़ीरो रखोगे ओ एच पर अल्बत्ता चार्ज है वन माइनस या माइनस वन अब इसकी चार्ज ए जी की कितनी होगी आपने यहाँ पर ओ एच के लिए चार्ज कितनी ली वन माइनस आपने ली थी मतलब इसकी ओ एच की तो वन माइनस है इक्वल टू कर दो ज़ीरो अब इस चार्ज को उस तरफ ले जाओ तो ये किस में हो जाएगी प्लस वन में तो यहाँ पर आपने चार्ज कितनी दी प्लस वन अब पूरे इस आइन पर भी चार्ज आप कौन सी दोगे प्लस वन दोगे ये अब जो है कॉम्प्लेक्स का ये जो स्पेयर है यह केटाइन की शक्ल में है और इसके साथ एन नाइन है तो अगर यहाँ एन नाइन अटैच हो तो ये आइन जो है कॉम्प्लेक्स का आइन केटाइन कॉम्प्लेक्स होगा अगर इस तरफ पॉजिटिव आइन है अब एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं सपोज आपको इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स का भी आपने निकाल लिया आइन का भी निकाल लिया कोऑर्डिनेशन स्पेयर को भी आपने देख लिया अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट ये है जैसे हमें कहा गया के टू यहाँ पर एफ ई सी एन सिक्स था तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स आइन कौन सा होगा आपको पता है पोटेशियम जो है वो प्लस वन रखता है साइनाइड एक जो है वो कितने यहाँ पोटेशियम के कितने थे दो थे तो आपने दो कर दिया साइनाइड एक पर है माइनस वन तो सिक्स पर हो जाएगा माइनस सिक्स तो हमने देखा कि दो प्लस की हैं और माइनस की सिक्स हैं इज इक्वल टू आपने जीरो कर दिया तो ये हो गया कितना माइनस फोर इज टू जीरो उस तरफ चार्ज को आप लेकर जाएंगे तो ये प्लस फोर हो जाएगा तो यहाँ पर इस आइन पर चार्ज आ गई प्लस फोर आयरन पर ये आपने आयरन की निकाल ली अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर देखते हैं उसमें क्या है कोऑर्डिनेशन स्पेयर की चार्ज हम इसकी ओवरऑल निकालते हैं तो सिक्स तो थी माइनस की ये वाली ये वाली थी माइनस सिक्स और उसके बाद आयरन पर कितनी चार्ज थी प्लस फोर तो अब आपने क्या किया प्लस के फोर और माइनस के फोर आपने कैंसिल कर दिए बाकी आपके पास क्या बचा आपके पास बचा माइनस टू तो ये जो है अब कॉम्प्लेक्स आइन जो है हमारा इस पर ओवरऑल चार्ज जो आएगी इन चार्जेस को कैंसिल करके जो बचे वो यहाँ रख दो अब ये प्लस दो है और ये माइनस दो है तो यहाँ पर आपको जो आइन मिला है वो कौन सा होगा ये होगा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स या नेगेटिव आइन कॉम्प्लेक्स आप इसको कह सकते हैं तो इस तरह बच्चों आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल का चार्ज और आप ये बता सकते हो कि ये नेगेटिव आइन का कॉम्प्लेक्स है या फिर पॉजिटिव आइन का ये पार्ट आप इससे डिसाइड कर सकते हैं तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आपने पढ़ा कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मालूम कर सकते हैं हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है ऐसे ही आप बाकियों पे प्रैक्टिस करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में भी आप ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का देखो रिएक्टन साइड पर कौन सी चार्ज है उस पर रूल ये फॉलो करो प्रोडक्ट साइड पर वो गया है तो उसकी चार्ज कौन सी है रूल्स को फॉलो करो तो इन मुझे नहीं लगता कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर में कोई डिफिकल्टी होगी तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप मुझे इजाज़त देंगे थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़